सत श्री अकाल डी फाइव चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता है। पाकिस्तान दे विच धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। पिछले समय के दौरान कई तरह के मामले सामने आ चुके हैं ते ताज़ा मामला हुण एक बार फिर सामने आया है जिथे तीन लड़कियां दा जबरी धर्म परिवर्तन करवाया गया है। जिस दी जानकारी भाजपा आगू मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने पेज के उत्ते भी सांझी की है ते सादका बाद एक जगह है पाकिस्तान की जिथे ये मामला सामने आया है। हिंदू कारोबारी उन्हां दे परिवार नाल संबंधित तीन लड़कियां दा धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। उहदियां तस्वीरां भी तुहाडे सामने ने ते दूजे पासे इस नूं सीमा हैदर मामले दे नाल जोड़ के देखा जा रहा है कि सीमा हैदर पाकिस्तान तों भारत आई है, नेपाल दे रस्ते भारत पहुंची है तो उस तों बाद दे विच विवाद पैदा होया है ते इस नूं बदले दी भावना दे नाल भी देखा जा रहा है कि सीमा हैदर भारत आ गई है ते दूजे पासे भारत यानी हिंदू जिहड़ियां लड़कियां ने उन्हां दा धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। तो जिहड़ा मुंडला मामला सामने आ चुका है कि किस तरह दे नाल पाकिस्तान दे विच धर्म परिवर्तन दा अजे भी निरंतर सिलसिला जारी है। तीनों लड़कियां चंगे परिवार दे नाल संबंधित ने, उद्योगपति परिवार है ते ये भी कहा जा रहा है कि इन्हां दा धर्म परिवर्तन तो बाद विआह भी करवा दिता गया है मुसलमान नौजवानों दे नाल, उन्हां दे नाल जिन्हां ने इन्हां नूं अगवा किया सी ते जिस जगह दे उत्ते धर्म परिवर्तन करवाया गया जिथे इन्हां नूं अगवा करके ले जाया गया सीगा उस जगह का नाम है दहरकी। तो दहरकी सिंध सूबे का एक कोटकी ज़िला है, उहदे शहर का नाम है जिथे ये धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। तिना लड़कियां की उम्र 16 साल के करीब है, एक 16 साल है तो बाकी 2 16 साल तो घट ने जिन्हों का धर्म परिवर्तन करवा दिता गया। तो सिरसा साहब के कोल परिवार ने मदद की गुहार लगाई है, जिस तरह उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट करते हुए कहते हैं कि मेरे को परिवार ने मदद की गुहार लगाई है कि भारत सरकार ये उन्हों की मदद करे क्योंकि घट गिनतियां उत्ते लगातार तशद्दुद हो रहा पाकिस्तान दे विच। बीते दिन दौरान भी पाकिस्तान दे विच ही सिख नौजवानों के उत्ते हमला हुंदा, एक नौजवान की जान चली जाती है, ताबड़तोड़ गोलियां चलाईया जांदियां ने ते हुण धर्म परिवर्तन का मामला सामने आ चुक्या है। हालांकि सरकारां वल्लों लांघे खोले गए ने, इधर उधर आउण दा सिलसिला लगातार जारी है क्योंकि धार्मिक स्थान पंजाब दे नाल संबंधित सिख धर्म दे नाल संबंधित पाकिस्तान दे विच ने ते कई हिंदू भी भारत दे विच आउंदे ने ते आके अपने धार्मिक स्थानां दे उत्ते दर्शन करदे ने, पर इस दे बावजूद धर्म परिवर्तन का सिलसिला रुकन का नाम नहीं लै रहा। ताज़ा मामला तुहानू दस रहा कि तीन लड़कियां का जबरी धर्म परिवर्तन करवाया गया, उन्होंने अगवा किया जाता, अगवा तो बाद उन्होंने कहिंदे डराया गया, धमकाया गया तो उस तो बाद उन्हां दा धर्म परिवर्तन करवा दिता गया, हिंदू तो मुसलमान बनाया गया। तो उस तो बाद जिहड़े नौजवानों ने उन्होंने अगवा किया है उन्हां दे नाल ही उन्हां दे निकाह भी करवा दिते गए। मामला अपने आप दे विच गंभीर है। तो दूजे पासे सीमा हैदर जो अपने आप नूं हुण सीमा मीना कहिंदी है क्योंकि सचिन मीना दे नाल प्यार पिया, एक गेम खेडदे खेडदे आपस दे विच संपर्क होया ते उस तो बाद अपने 4 बच्चे लै के सीमा हैदर पहला पाकिस्तान तो दुबई, दुबई तो नेपाल ते नेपाल तो भारत पहुँच गई। तो इस वेले सुरक्षा एजेंसियां दे निशाने दे उत्ते सीमा हैदर मीडिया दे विच भी लगातार विचर रही है, सोशल मीडिया दे उत्ते भी काफ़ी एक्टिव सी सीमा हैदर। वो कहिंदी है कि मैं वापस पाकिस्तान नहीं जाना। तो इस ते चलदियां ही इहदे नाल जोड़ के देखा जा रहा है कि वह बदले की भावना दे नाल पाकिस्तान दे विच ये सारा कुछ किया जा रहा है कि एक पाकिस्तान की महिला भारत आउंदी है, भारतीय धर्म के मुताबिक रहना शुरू कर देंदी है हिंदू धर्म के मुताबिक, तो हुण उत्थे भी उहदा बदला लैण वास्ते ही तीन लड़कियां दा धर्म परिवर्तन करवा दिता गया। हुण देखना होवेगा कि भारत सरकार इहदे उत्ते की कार्रवाई करती है, किस तरह उत्थे पाकिस्तान दे नाल संपर्क साध्या जांदा है क्योंकि मनजिंदर सिंह सिरसा होरां दे कोल इह शिकायत इह अर्ज पहुँच चुकी है। हुण देखना होवेगा कि आने वाले समय दे विच इह मामला की मोड़ लैंदा है। कैमरामैन शंकर दे नाल मैं धर्मेंद्र संधू, जुड़े रहो डी फाइव चैनल पंजाबी दे नाल। डी फाइव चैनल पंजाबी ते होवेगी भख दे मुद्दयां दी गल, सियासी पार्टियां नूं करांगे सवाल ताकि लोक मसले होण हल। D5 चैनल पंजाबी ते पंजाब डिबेट सोमवार तो शुक्रवार तक शामी 6 बजे तो 7 बजे तक वेखना ना भुलना पंजाब डिबेट। निडर हां, निरपक्ष हां, आजाद हां, सच कहांगे, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन के, होणगी
हर पहलू ते रोज चर्चे खोलांगे अंदरूनी राज बनांगे बुलंद आवाज खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे हर पिंड हर शहर जावांगे मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार की करदी है साडी सरकार की है तुहाडी मुश्किल दा हल D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर D5 चैनल पंजाबी अपनी धरती अपने लोक ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।